क्लास 10th हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज सबको पता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे देश में। राइट, सो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कैसे और क्यों होती है। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है और इलेक्शन के प्रोसीजर क्या है, मतलब इलेक्शन कैसे सेटअप होता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, जो जोड़ती है आम आदमी को, डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेशन को और इलेक्शन को। पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव यानी नेता के साथ जोड़ना, ठीक है, इलेक्शन के द्वारा, और ये सब मिलकर पब्लिक चुनेगी। कॉमन पीपल डेमोक्रेसी के थ्रू नेता को चुनेगा बाय इलेक्शन, तो ये चार चीज़ों को जोड़ती है। राइट, आम आदमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी रूल है तो वो चुनेगा, चॉइस करेगा, ठीक है, वोट देकर। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन यानि अपना नेता इलेक्शन के द्वारा, तो ये चार प्रोसीजर है, चार कैरेक्टर्स है इसमें जिनको पॉलिटिकल पार्टीज जोड़ती है। वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग जो भी सुनते हैं या पढ़ते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सारी जुड़ी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज से, उससे संबंधित है। पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम, सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट है, पाई जाएगी। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन डेमोक्रेसी, बल्कि ये बोल सकते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है, एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है मतलब कॉम्पिटिशन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करती है यानी इलेक्शन होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, ठीक है, ये सब किस में होता है, डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है, डिक्टेटरशिप में रूलर का बेटा अगला रूलर बनेगा या कोई और सक्सेसर है जिसने उसको बीट किया वो अगला रूलर बनेगा, बट डेमोक्रेसी में क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करेगी यानी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है, इलेक्शन में अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेगी और वो लोगों को सहमत करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा वोट देने के लिए, और यही डेमोक्रेसी का हिस्सा है, यही डेमोक्रेसी है यानी पब्लिक चुनेगी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये चैप्टर में हम लोग इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन अ स्कूल एंड इन योर स्कूल एंड दी सराउंडिंग यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। देखो, हमने स्कूल या उसके आसपास, ठीक है, स्कूल में या अपने घरों के आसपास ये देखा होगा कि कुछ ग्रुप्स, कुछ संगठन, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, एक मकसद पर सब मिलकर काम करते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। कुछ संगठन मिलकर कोशिश करते हैं यानी कदम उठाते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं इन रिजॉल्विंग, सॉल्व करने में सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम जो सोसाइटी में, जैसे अंधविश्वास, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब सोशल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में कुछ संगठन मिल के काम करते हैं, उसके लिए कड़े कदम उठाते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट द वेरियस मूवमेंट एंड देयर वर्क। फिर हमने बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़ा है और उनके काम के बारे में। जस्ट एज देयर आर एक्टिव ग्रुप, इंस्टीट्यूशन एंड मूवमेंट, सिमिलरली देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जैसे कि कुछ एक्टिव ग्रुप्स है, मतलब कुछ काम करने वाले एक्टिविस्ट है, ठीक है, सामाजिक कार्य करने वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स है और उनके संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, सोशल वेलफेयर, सोशल पीपल के लिए काम करने वाले।
एंड मूवमेंट, और बहुत सारे आंदोलन भी चलते रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो इलेक्शन लड़ती है, जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज भी सोशल काम, सामाजिक काम करती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक सामाजिक पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे एनजीओ में, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे इंस्टीट्यूट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? द डिफरेंस इज इन द गोल एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या फ़र्क है? उनके काम करने में, उनके मकसद में और काम करने में फ़र्क है। पॉलिटिकल पार्टीज और जो दूसरे एनजीओज है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे जो सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक कार्य करने वाले संगठन है, उसमें और पॉलिटिकल पार्टीज में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? उनका मकसद और उनका काम करने का तरीका, ये दो फ़र्क है। ऑन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट वेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव्स एट, इसके आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि जब लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कुछ मकसद को लेकर, जब संगठन बनाते हैं कुछ मकसद को लेकर ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर, और उसके द्वारा वो पॉलिटिकल पावर पाना चाहते हैं एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, और फिर उस लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे संगठन को पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। जो संगठन, ठीक है, कुछ मकसद को लेकर, कुछ मकसद पाने के लिए पॉलिटिकल पावर अचीव करना चाहते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज थर्स कैन बी डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन एंड गेट पावर एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे समझ लो उसका डेफिनेशन है। फर्स्ट देखो यहाँ पे, व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर्स, एंड जब लोग संगठन बनाते हैं इस मकसद से कि कुछ पॉलिटिकल पावर अचीव करें और इसलिए इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का, और ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, लोग संगठन है, ग्रुप है, ठीक है, लोगों का जो जिनका टारगेट है इलेक्शन में पार्ट लेना, जीतना इलेक्शन को और पावर पाना, ठीक है, और अपनी पार्टी की सरकार स्थापित करना। आगे फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी क्वालिटीज पॉलिटिकल पार्टीज की क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टू बी इन पावर, पावर में आना। अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का असली मकसद है, रियल मकसद क्या है, रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य मकसद है पावर पाना, ठीक है, पावर हासिल करना। थस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर टू गेट पावर। इसके लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट यानी कॉम्पिटिशन करती है, यानी इलेक्शन लड़ती है। कम्पीट यानि एक दूसरे का मुकाबला करती है इलेक्शंस में टू गेट पावर, पावर पाने के लिए, क्योंकि जो जीतेगा पावर उसके हाथ में आएगा, पूरा कानून बनाने का पावर, लॉ और जो भी है परमिशन देने का पावर, सब पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में आएगा जो जीतेगा। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन, और ऐसे कॉम्पिटिशन में कुछ गलत नहीं है, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। लेकिन कॉम्पिटिशन, ये जो इलेक्शन है इसमें, ये जो इलेक्शन यानी कंपटीशन होता है उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो एकदम फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब सच्चाई के साथ, बिना झोल के, बिना चीटिंग के होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसा कंपटीशन सही तरीके से होना चाहिए, वरना उसमें कोई गलती या कुछ बुरा नहीं है। नेक्स्ट, टू परसीव एन आइडियोलॉजी, इवन पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज। देखो, हर पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ खुद की पॉलिसीज यानी खुद के कुछ सिद्धांत होते हैं, और वर्ल्ड व्यूज, और लोगों के लिए उनका कुछ नज़रिया होता है, विश्व के लिए, दुनिया के लिए उनका नज़रिया होता है।
पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यू, पार्टीज का एक अपनी सोच होती है सोशल सोसाइटी के जो मैटर्स है उस पर, पॉलिटीज का खुद का अपना एक नज़रिया होता है सोशल मैटर्स पे यानी सोसाइटी के इश्यूज पर। इस टुगेदर मेक पार्टीज आइडियोलॉजी, ये सब मिलके क्या बनाता है पार्टी की सोच आइडियोलॉजी। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टीज, जो लोग किसी स्पेसिफिक पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, सही मानते हैं, ठीक है, वो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी की सोच को सही मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, वो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सोशल सपोर्ट रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो सोसाइटी के लोगों से सपोर्ट मिलता है ये क्या कहलाता है, मास बेस, ये उसका मास बेस है, यानी ये उसके, हम लोग कहते हैं ना, ये उसके सपोर्टर्स है या फिर कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपियर टू बी सिमिलर, हैंस इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज। अब मॉडर्न जमाने में क्या हो गया है, हर पॉलिटिकल पार्टीज की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो सिमिलर दिखने लगी है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क करना मुश्किल हो गया है आइडियोलॉजीज के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर। सेकंड, थर्ड पॉइंट, सॉरी, टू हैव अ पार्टी एजेंडा, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, ठीक है। एजेंडा मींस वो पार्टी क्या बदलाव लाएगी, ठीक है, स्लोगन टाइप, उसका क्या, उसका एक स्लोगन होता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली था सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो ये सब एजेंडा है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी, ये जो एजेंडा रहेगा वो पार्टी की सोच के आधार पर रखा जाता है। दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर, फिर ये एजेंडे को पावर, ये एजेंडे को, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये सब एजेंडे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये एजेंडे को इम्प्लीमेंट, कानून बनाया जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती है। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजेंडा। और जब तक पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं आती है तब तक लोगों को सपोर्ट कर तब तक वो लोगों का सपोर्ट लेते रहती है अपने एजेंडे के आधार पर, ठीक है। देखो अभी एजेंडा चल रहा है एट प्रेजेंट, पेट्रोल के दाम 100 पार, अब की बार 100 पार, ऐसा कुछ एजेंडा चल रहा है। तो पेट्रोल के प्राइजेस मे बी 99 और 100 हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, 99 कुछ है अप्रोक्स, और डीजल का भी बहुत हाई फाई चल रहा है, 70-80 से सीधा 90-100 पर आ गया है। तो अभी एक नया एजेंडा चल रहा है, ठीक है, अब की बार 100 पार। टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ सिर्फ कि एजेंडे क्या होते हैं। एजेंडा वो होता है जो पार्टी पावर में आने के बाद लोगों पर लागू करती है, और अगर पार्टी पॉलिटिकल पावर में नहीं भी आई तो उसके आधार पर लोगों का सपोर्ट लेती रहती है, मतलब लोगों से सपोर्ट एक्स पाती है। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सरकार बना के पूरे देश पे रूल करेगी, गवर्न करेगी। द पॉलिटिकल पार्टीज विच गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी सीट्स मिली है यानी इलेक्शन में मेजोरिटी वोट्स मिले हैं, वो इलेक्शन में मेजोरिटी वोट्स मिले हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट बनाएगी, उसका उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी, और जिसको मेजोरिटी वोट नहीं मिलेंगे उसकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन वो भी पार्लियामेंट में रहेगी एज अ अपोजिशन पार्टी, अपोज करने वाली पार्टी। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सरकार और लोगों के बीच में, यानी सरकार और लोगों के बीच में लिंक यानी जोड़ का काम करना कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड द पीपल, लोगों और सरकार के बीच में जोड़ का यानी लिंक का,
एक कनेक्टिंग लिंक का कनेक्शन का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचाने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का है। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट। देखो पॉलिटिकल पार्टीज बात पहुंचाती है लोगों की जो मांगे हैं, जो डिमांड है, और लोगों की जो शिकायतें हैं, जो कंप्लेन है, ये पॉलिटिकल पार्टी सरकार तक पहुंचाती है या सरकार से इससे इसके बारे में बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी सरकार से बात करती है लोगों की मांगों के बारे में और कंप्लेंट के बारे में। द गवर्नमेंट ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, और सरकार लोगों का सपोर्ट समर्थन हासिल कर सकती है अपनी पॉलिसीज से। अपनी जो पॉलिसीज यानी ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे लोगों का भला हो, ठीक है, और जो प्रोग्राम्स जो सरकार जो प्रोग्राम शुरू कर रही है उससे लोगों का भला हो, अगर सरकार ने ऐसे पॉलिसीज और ऐसे प्रोग्राम शुरू किए तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज़। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन अलग से दिया है। न्यूज़पेपर से क्या समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अपोजिशन पार्टीज हेल्ड अ मीटिंग इन मुंबई टू रेजिस्ट द रूलिंग पार्टी विल टेक अप द इश्यू ऑफ फार्मर, ठीक है, ये तो अभी रिसेंट इश्यू लग रहा है। देखो अपोजिशन पार्टीज ने किसानों के बारे में, किसानों को जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके खिलाफ एक मीटिंग बुलाई है, उस लिए एक मीटिंग बुलाई है रूलिंग पार्टी के खिलाफ। अपोजिशन पार्टी जो पावर में नहीं है उसने एक मीटिंग बुलाई है मुंबई में, ठीक है, टू रेजिस्ट द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, रूलिंग पार्टी को अपोज करने के लिए। और उस मीटिंग का एजेंडा क्या है, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, इश्यूज ऑफ फार्मर, फार्मर के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन होगा। ये न्यूज़पेपर में क्वेश्चन टाइप आर्टिकल दिया है, तुम्हें इससे क्या रीड करके समझ में आ रहा है। रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरिया। फिर रूलिंग पार्टी ने एक यात्रा ऑर्गेनाइज की है, यात्रा मतलब ट्रेवलिंग, रूरल एरिया में, देहाती जो गांव साइड एरिया होते हैं ना, गांव देहाती एरियाज में उन लोगों ने एक संवाद यात्रा ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। संवाद मीन्स कन्वर्जेशन, संवाद मतलब कन्वर्जेशन, तो रूलिंग एरिया में जाकर लोगों के साथ बातचीत करना, संवाद करना, ठीक है, ये रूलिंग पार्टी ने ये ऑर्गेनाइज किया है। रूलिंग पार्टी ने एक यात्रा का आयोजन किया है, मतलब एक यात्रा ऑर्गेनाइज की है, और वो यात्रा का नाम है, यात्रा मतलब ट्रेवलिंग, ठीक है, संवाद यात्रा, संवाद यात्रा मतलब बातचीत करने वाली यात्रा इन रूरल एरिया, तो गांव में गांव के लोगों के साथ जाकर उनको उनको समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड सुनेंगे क्या है एक्सेट्रा, जिसको कहते हैं। तो ऐसे न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आए हैं, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स आए, इसके बारे में यू हैव टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें इससे क्या समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर एन अपोजिशन पार्टी लीडर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट रूलिंग पार्टी हैज़ नॉट डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। समझ लो तुम अपोजिट पार्टी के लीडर हो, यानी रूलिंग पार्टी के नहीं, अपोजिट, दो टाइप पार्टी में दो सेक्शन है, एक तो रूलिंग पार्टी जो पावर में है और बाकी जो पावर में नहीं है, जो इलेक्शन में जीते हैं वो रूलिंग पार्टी है, और जो पावर में नहीं है, जो इलेक्शन में हार गए हैं, वो अपोजिशन पार्टी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो इलेक्शन जीत गए हैं और पावर में है, गवर्नमेंट जिनकी है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, और जो गवर्नमेंट में नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट जिनकी जो हार गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिफीट हो गई है इलेक्शन में और वो अभी रूलिंग नहीं है, उसको अपोजिशन पार्टीज कहते हैं। तो मान लो कि तुम अपोजिट पार्टी के लीडर हो, अपोजिशन पार्टी के, और तुमने महसूस किया कि रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है हेल्थ की फील्ड में, लोगों की सेहत के मामले में रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, व्हाट विल यू डू एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। तो तुम क्या करोगे अपोजिशन के लीडर के हैसियत से। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, सोच कर लिखो। महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। देखो महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने और जयप्रकाश नारायण ने, इन लोगों ने ये
आइडिया को या आइडियोलॉजी को आगे रखा, क्या पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी होना चाहिए पार्टी के लिए नहीं देश के लिए। आजकल जो डेमोक्रेसी हो रही है, लोग अपनी लोग जो नेता काम करते हैं वो पार्टी के लिए करते हैं, तो पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, पार्टी लेस यानी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होना चाहिए देश की, देश सेवा के लिए, देश के लिए, लोगों के भले के लिए, देश के लोगों के भलाई के लिए, पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी, पार्टी लेस डेमोक्रेसी आइडिया किन की थी, किन्होंने इसको आगे रखा? महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने और जयप्रकाश नारायण जी ने। वॉट हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग सच डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम? पार्टी लेस डेमोक्रेसी को आज के ज़माने में आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन सोच कर लिखना है आंसर। नेक्स्ट, चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज बदलती रहती है उसके बारे में। द कांग्रेस वॉज अ स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टीज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। आज़ादी के बाद कांग्रेस एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी थी। कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ स्टेट। सेंटर यानी पूरे देश में और बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस को मेजोरिटी सीट्स मिली थी। इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल्ड बाई कांग्रेस पार्टी। इंडिया में पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स कौन कंट्रोल करता था? कांग्रेस पार्टी। दिस एरा वॉज डिस्क्राइब्ड एज द एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। ये एरा को क्या एरा, ये जो वक्त था, ये जो पीरियड था, उससे क्या, कौन सा वक्त कहा जाता था? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, यानी एक ही डोमिनेंट पार्टी का सिस्टम था। द नॉन कांग्रेस पार्टी केम टूगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977। दूसरी जो नॉन कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टीज थी, वो सब मिलजुल कर एकजुट होकर ये पार्टी को चैलेंज करने लगी, कांग्रेस पार्टी को, 1977 में। आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज, देखो 1989 के बाद जो लोकसभा में इलेक्शन हुए, इसमें ये सिस्टम, ठीक है, जो डोमिनेंट पार्टी का था, वो ख़त्म हो गया। सिंस द डिफरेंट पार्टीज बिगेन टू कम टूगेदर टू फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट, बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोलिएशन गवर्नमेंट। द बिलीव दैट कोलिएशन गवर्नमेंट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, वॉज प्रूवन रॉन्ग बाय पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आ कंट्री। ठीक है, कोलिशन मतलब एकजुट होकर, संगठ, क्या बोलते हैं उसको, गठबंधन करना, गठबंधन। ठीक है, तो गठबंधन क्या होता है? छोटी छोटी पार्टीज मिलकर एकजुट होकर बड़ी पार्टीज को चैलेंज कर सकती है। राइट, सो लोकसभा इलेक्शन में ये जो सिस्टम है खत्म हो गया 1989 में। कांग्रेस हार गई, दूसरी पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज कोएलिएशन हुआ, कोएलिएशन मीन्स गठबंधन बनाकर चैलेंज किया। दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। द बिलीव दैट, पहले ये माना जाता था कि गठबंधन की जो जो कोएलिएशन की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, वो इनस्टेबल रहती है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। ठीक है, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये सिस्टम हमारे देश में, ये बात हमारे देश के लिए गलत साबित हुई। हमारे देश में गठबंधन वाली जो पार्टी है वो अच्छा काम करती है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट अघाड़ी सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। ठीक है, महाराष्ट्र में इनफैक्ट द कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम एज एस्टैब्लिश इन इंडिया। और ये जो गठबंधन वाला गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम है, वो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, वो इंडिया में स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज्ड मतलब काफ़ी स्थिर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। डू यू नो, जानकारी के लिए दिया है, इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल। अगर पावर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में रहेगा लंबे समय के लिए, और कोई और पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपनी तरफ प्रभावित नहीं कर पाएगी, तो वैसे को वैसा
वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, तो उसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। सेकेंड, अगर पॉलिटिकल पावर दो पार्टीज के बीच में अल्टरनेटिव आ रहा है, मतलब फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, फिर कुछ साल के लिए नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, फिर कुछ साल के लिए फिर पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, दो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में पावर अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट मतलब इसके पास जा रहा है फिर उसके पास आ रहा है, इसके पास जा रहा है, दैट मीन्स एक टाइम इलेक्शन में ये पार्टी जीत रही है, नेक्स्ट टाइम वो, फिर थर्ड टाइम ये, फिर फर्स्ट फोर्थ टाइम वो, तो इसको क्या कहते हैं, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, तो ऐसी पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, जब पॉलिटिकल पावर्स अलग अलग पार्टी के हाथ में जा रहे हैं, वेन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट फॉर पॉलिटिकल पावर एंड मोर और लेस दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, कम या ज़्यादा वो प्रभावित कर रही है, मतलब लोग उससे प्रभावित हो रहे, मतलब वो पावर में आ रही है, बहुत सारी पार्टी है, फर्स्ट टाइम एक पार्टी जीती, सेकेंड टाइम कोई और पार्टी, थर्ड टाइम कोई और, फोर्थ टाइम कोई और, तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग, मतलब जो इलेक्शन में कम्पीट कर रही है उसमें उनका इन्फ्लुएंशियल इक्वल कम या ज़्यादा हो, यानी उनका प्रभाव कम या ज़्यादा हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज वाले सिस्टम को कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। डू दिस, फाइंड आउट द मेंबर पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोलिएशन, एनडीए में कौन से गठबंधन है एनडीए में, और यूपीए में कौन सी पार्टीज का गठबंधन है, अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट, ये एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो एनडीए में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन है और यूपीए में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का कोलिएशन है, कोलिएशन, ठीक है, कौन सी पार्टीज का कोलिएशन एनडीए में है, कौन सी पार्टीज का कोलिएशन यूपीए में है। नेक्स्ट, ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टी क्या है, यानी नेशनल लेवल पे पार्टीज क्या होती है और रीजनल स्टेट लेवल पे पार्टीज क्या होती है, या उससे भी कम, स्टेट लेवल से भी कम, रीजनल लेवल एरिया वाइज भी पार्टी होती है, ठीक है। To get a recognition as a national party, the election commission has prescribed the following condition. National party बनने के लिए election commission ने कुछ system रखा है, कुछ conditions रखे हैं, वो complete होना चाहिए। तो first क्या है? A political party should secure minimum 6% of valid vote in 4 or more state in earlier Lok Sabha or state assembly election and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट इन दी अर्लियर इलेक्शन। तो पहला कंडीशन क्या है, 6% वैलिड वोट्स रहने चाहिए चार या उससे ज़्यादा स्टेट में 6% से ज़्यादा वैलिड वोट होना चाहिए। स्टेट मतलब महाराष्ट्र एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, ऐसे सब स्टेट्स हैं इंडिया में, तो उसमें चार या चार से ज़्यादा स्टेट में 6% से ज़्यादा वोट रहना चाहिए, कम से कम 6% या उससे ज़्यादा, कम से कम 6% वोट रहना चाहिए, वैलिड वोट रहना चाहिए चार या उससे ज़्यादा राज्यों में, ठीक है, इन दी अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, लोकसभा के या असेंबली, स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% से ज़्यादा वोट रहने चाहिए चार या उससे ज़्यादा राज्यों में। नेक्स्ट, एंड मिनिमम 4 मेंबर्स, इसके अलावा 4 मेंबर्स उनके चुने जाने चाहिए लोकसभा में, ठीक है, कोई भी राज्य से हो, कोई भी राज्य के 4 मेंबर्स लोकसभा में चुने हुए जाने चाहिए, ठीक है, फॉर इन द अर्लियर इलेक्शन। और सेकंड कंडीशन, ये नहीं है तो कम से कम ये कंडीशन होना चाहिए नेशनल पार्टी बनने के लिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस emerged एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज, आज़ादी के बाद कांग्रेस अकेली हुकूमत करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, द पार्टीज फ्रॉम द बिगनिंग फॉलोज द पॉलिसीज ऑफ सेक्युलरिज्म ऑल राउंड डेवलपमेंट इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो शुरुआत से ये पार्टी का एजेंडा था, यानी पॉलिसीज थी क्या, सेक्युलरिज्म मतलब हर धर्म का सम्मान करना, सेक्युलरिज्म मतलब हर धर्म को सम्मान, इक्वल सम्मान देना, ठीक है, हर धर्म के लोगों को इक्वल
रिस्पेक्ट देना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सबका विकास करना, ठीक है, इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स देना, सबको इक्वल हक देना, एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सॉरी, सबको इक्वल राइट्स देना और सबका इक्वल भला करना, माइनॉरिटीज का भी यानी जिनकी आबादी कम है वो लोगों का भी, और जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, जो दलित पीड़ित लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं सोसाइटी के, उनका भी वेलफेयर करना और उनको भी इक्वल राइट्स देना, ये सब कांग्रेस पार्टी के एजेंडे, उनकी पॉलिसीज है। अकॉर्डिंग, शुरुआत से उनकी यही पॉलिसी है, अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, और इसके हिसाब से कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया, ऑर्गेनाइज किया बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने मकसद को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये पार्टी का पूरा जो मान्यता है, ये पार्टी मानती है क्या, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, सामाजिक डेमोक्रेसी में इसका भरोसा है। सोशल इक्वालिटी, सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए, हर एक के साथ सोसाइटी में इक्वालिटी रहना चाहिए, एंड इंटरनेशनल पीस, और पूरे विश्व में शांति रहनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, ये पार्टी का मानना है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश इन 1925। ये पार्टी किस पे आधारित है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब लेबर, फार्मर, वर्कर रूल, ठीक है, जो फार्मर है, वर्कर है, लेबर है, उनकी पार्टी, उनका रूल होना चाहिए, इसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। ये 1925 में पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इट इज़ एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया, ये भी एक बहुत पुरानी ओल्ड पार्टी है इंडिया की। द पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड लेबरर ऑफ द लेबरर एंड वर्कर, ये पार्टी किसके लिए काम करती है, भलाई के, मजदूरों का भला हो और किसानों का और लेबरों का, लेबरर का भला हो। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म, ये पार्टी दंपत्ति के खिलाफ है। कैपिटलिज्म मतलब सेठ लोग का रूल, जो सेठ लोग रहते हैं, जो पैसा बिजनेसमैन रहते हैं, उनका देश में हुकूमत हो, इसके खिलाफ है। कम्युनिज्म मतलब लेबर रूल हो, वर्कर रूल हो, किसानों का रूल हो, और कैपिटलिज्म मतलब जो सेठ लोग हैं वो देश पर कंट्रोल रखे हैं, तो उसके खिलाफ है कम्युनिस्ट पार्टीज। द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंट इन 1962 ओवर द इश्यू ऑफ वेदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना और द सोवियत यूनियन, ठीक है। देखो, ये पार्टी में थोड़ा सा 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी में एक बात को लेकर, एक इश्यू को लेकर, बोलते ना, फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया, ये पार्टी में 1962 में दरार आ गई, यानी पार्टी ब्रेकअप हो गई, या ये पार्टी थोड़ी अपसेट हो गई, क्या आप इश्यू को लेकर के इंडिया को चाइना को कम्युनिस्ट फॉलो करना चाहिए या सोवियत यूनियन, रशिया की, सोवियत यूनियन मतलब रशिया, ठीक है, और कम्युनिस्ट चाइना, तो किसकी लीडरशिप में इंडिया को जाना चाहिए, कम्युनिस्ट चाइना की या सोवियत यूनियन यानी रशिया की। दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में दो टुकड़े हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ब्रेक हो गई, एंड सेपरेट ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म, और फिर एक नई अलग से एक पार्टी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। यहाँ पे डिविजन हो गया पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, और एक नई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हो गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो दो पार्टी के बारे में पढ़ा हमने, कांग्रेस की और इसकी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो अभी ऑल ओवर इंडिया रूलिंग पार्टी है, हमारे देश की रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टी ऑफ द नेशनल लेवल, एट द नेशनल लेवल बीजेपी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है और वो नेशनल लेवल की पार्टी है। भारतीय जनसंघ वॉज एस्टैब्लिश इन 1951, भारतीय जनसंघ ये एस्टैब्लिश हुआ था, बीजेएस,
1951 में. दिस पार्टी वॉज मर्ज्ड विद जनता पार्टी दैट वॉज एस्टैब्लिश इन 1977. तो भारतीय जनसंघ पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1951 में, फिर भारतीय जनता पार्टी आई 1977 में, और ये दोनों मर्ज हो गई, कोलिएशन हो गया, मतलब दोनों जुड़ गई, दो पार्टी मिलकर एक पार्टी बन गई. द जनता पार्टी कुड नॉट, सॉरी या भारतीय नहीं या सॉरी, देखो भारतीय जनसंघ 1951 में बना और जनता पार्टी 1977 में बनी, ठीक है. जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, याद रखो, जनता पार्टी 1977 और भारतीय जनसंघ 1951. द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, लेकिन ये जनता पार्टी बाकी नहीं रह पाई, देयरफॉर वाज स्प्लिट इनटू द पार्टी ऑफ भारतीय जनसंघ. और फिर से मतलब ये भारतीय जन ये जो जनता पार्टी थी, सॉरी, ये सिर्फ ये जो जनता पार्टी थी जो 1977 में बनी, वो नहीं टिक पाई, नहीं रह पाई, और फिर से वो स्प्लिट हो गई, और अभी भारतीय जनसंघ वापस से आया. एंड द भारतीय जनसंघ द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी एस्टैब्लिश अ न्यू पार्टी इन 1980, भारतीय जनता पार्टी. तो भारतीय जो जनता पार्टी थी वो डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, और जो भारतीय जनसंघ था इसने एक नई पार्टी को जन्म दिया, इसने एक नई पार्टी बनाई 1980 में, और उसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी. नेक्स्ट, द पार्टी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. ये पार्टी का लक्ष्य क्या है, इंडिया का कल्चरल, और ये पार्टी का जो लक्ष्य है वो क्या है, इंडिया का कल्चर, इंडिया की संस्कृति और इंडिया के रीति रिवाज को बचाना, ठीक है, इंडिया की रीति रिवाज, इंडिया की संस्कृति को बचाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, मतलब उनका टारगेट है, उनका स्टैंड है, उनका एजेंडा है. द पार्टी गिव इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म. इसके अलावा पार्टी इकोनॉमिक में बदलाव लाने को भी इम्पोर्टेंस देती है. इकोनॉमी में, इकोनॉमिक मतलब लोगों की इनकम, लोगों का खान पान, रहन सहन, ये सब में भी बदलाव लाने को ये पार्टी इम्पोर्टेंस देती है, सुधार लाने को. नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. तो हमने पहले देखा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट हो गई थी और क्या बन गई थी, कम्युनिस्ट, उसमें दो पार्ट हो गए, एक पार्ट का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उनका सिंबॉल ये है, देखो साइड में सबका सिंबॉल दिया है. भारतीय जनता पार्टी का सिंबॉल है लोटस, और कांग्रेस का सिंबॉल है ये पंजा ट्राई कलर के साथ, ट्राई कलर फैक्ट के साथ. ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिंबॉल है, और ये जो बाद में फॉर्म हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये उसका सिंबॉल है, ठीक है, उनका फ्लैग है बोल सकते हो.